वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं अंदर कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया था और अब सेकेंड टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो भी जनरल कंपटीशन होता है इंजीनियरिंग का, ठीक है, जिसमें पूरे जनरल सब्जेक्ट से आता है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरल में कहने का मतलब है कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, ठीक है, इसमें कॉमन एग्ज़ाम है हर एक ट्रेड के लिए, हर एक ब्रांच के लिए अगर एक ही कॉमन एग्ज़ाम है तो उसमें ये सॉम वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि यह आपके लिए ये फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर ही में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। बाकी ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो गया या सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो गया, ये सब क्यों तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है, उसके लिए तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई जरा अपना पेटी बांध दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और लोगों के साथ शेयर कर लो। हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में बड़ा झगड़ा है। झगड़ा ये बात का है कि ये वेक्टर है या स्केलर, ठीक है। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बता रखा है कि ये ना तो वेक्टर है ना स्केलर है, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों ने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा कि स्ट्रेस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है एज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर की तरह ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, पर हकीकत में ऐसी बातें नहीं हैं। स्ट्रेस अलग अलग प्लेन में डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसलिए हम इसे टेंसर में रखते हैं या ये एक अलग ही ऑर्डर का वेक्टर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो जीरो ऑर्डर का एक टेंसर होता है, ठीक है। वेक्टर जो होता है वो एक फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर होता है और ये एक सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है, कौन, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे वायवा वगैरह में कि वायवा क्या आपको ये सी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाता है कि स्ट्रेस जो है वो एक वेक्टर है या स्केलर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्ट्रेस या स्ट्रेन जो है वो एक टेंसर है, ना वेक्टर है ना स्केलर है। तो चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें हम लोग इसमें कि यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे ना उसका थोड़ा सा ये अजम्पशन काम करेगा, यानी थीटा अगर क्लॉकवाइज आप लेते हो तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे और थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज लेते हो तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। ये एक छोटा सा अजम्पशन ले लीजिए, ठीक है भाई, कोई तो डायरेक्शन लोगे ना, ये तो जनरल डायरेक्शन होता ही है, तुम जानबे करते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक बार है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये इधर थ्रेडी में है, जाहिर सी बात है जो हमको दिख नहीं रहा है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने लोड लगाया है पी इस साइड से भी और पी इस साइड से भी, ठीक है। एक साइड से लगाओगे तो भाई लोड का कोई मतलब नहीं रहेगा, जिसको मैंने बता ही रखा, इधर से सिर्फ लगाओगे, दूसरे तरफ से सेम लोड नहीं लगाओगे तो खींच के आगे चला जाएगा, इसके अंदर किसी प्रकार का स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है। अब अगर इसको खींचते हो तो मैंने बताया था कि अगर इस प्लेन में अगर जाते हो तो यहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट होगा, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ये अंदर इसके शरीर के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा, इसके मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स को चूँकि खींच रहा है, किधर खींच रहे हो मॉलिक्यूल्स को, ये किधर खींच रहे हो, तो इसके मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे से इंटर मॉलिकुलर फोर्स से बना हुआ है, तो वो भी इसको खींच रहा होगा। अगर वो कितना होगा तो फोर्स से हम निकाल सकते हैं, एक स्ट्रेस टर्म डिफाइन करते हैं, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो कहता हूँ वहाँ पर जो लोड लग रहा है या फोर्स जो लग रहा है बाई एरिया स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। ये जो पी जो फोर्स है वो ये वाला फोर्स नहीं होता है, कौन वाला फोर्स होता है सर, ये होता है अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग माने कि अगर आपने खींचा है तो जाहिर सी बात अगर यहाँ से कट करोगे इसको तो यहाँ से भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, जो कि जाहिर सी बात ये इक्वल फोर्स होगा, क्योंकि ये मोशन नहीं कर रहा है, तो न्यूटन के लॉ से जितना फोर्स इधर लग रहा होगा उतना ही फोर्स इधर लग रहा होगा, तो यही आपका पी लोड है। ये रेसिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस जनरेट होता है आपके लोड लगाने से, वो वाला पी है ये, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो बन जाएगा पर अगर आपसे वायु वगैरह में कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो वो नहीं बन पाएगा, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो वाला लोड है, तो वो लोड कितने एरिया पे लग रहा है, ठीक है, तो उस एरिया से क्रॉस सेक्शन एरिया से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल के आता है स्ट्रेस, ठीक है। अब कहता है कि सर ठीक है इस प्लेन पे तो स्ट्रेस इतना है, इतने का खिंचाव आ रहा है, ठीक है सर, इससे अगर हम प्लेन को प्लेन इधर लेते हैं जो कि थीटा एंगल पे है इस प्लेन से, ठीक है, तो वहाँ पर स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। तो कहता हूँ वहाँ पर स्ट्रेस में कैलकुलेट करने के लिए तो मैं ये चैप्टर बता रहा हूँ आपको,
ठीक है। तो ये आपका स्प्लीन है, स्प्लीन में स्ट्रेस क्या होगा उसको थोड़ा सा हम लोग पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसको हम सिग्मा एन कह देते हैं, और ये कितना होगा वो तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने, उसको मैं कैलकुलेट करूँगा। और इसमें एक शेयर स्ट्रेस भी आएगा, उस शेयर स्ट्रेस को भी मैंने टाउ से डोट किया है, उसका भी वैल्यू हम लोग निकाल के देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया ताकि आप उसको याद रखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए जो मैंने अभी आपको समझाया कि देखो अगर कोई बार है तो उसको मैंने 20 से काटा है, काटा इधर भी तुमने खींचा था उसको, इधर भी खींचा था, टूटा नहीं है, मैंने इसको बस काट कटिंग करके यहाँ से आपको दिखाया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर तुम इधर लोड लगाओगे पी, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा था वो खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट में स्ट्रेस के अंदर आप रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा, वो फोर्स बाय जितने एरिया में वो जनरेट हुआ है वो एरिया से डिवाइड करते हैं, तो जो एक टर्म निकल के आता है, एक फिजिकल क्वांटिटी निकल के आता है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ जाहिर सी बात है गाना वाना बज रहा है वो तो जान ही रहे हो क्यों बज रहा है, क्योंकि अभी दशहरा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको हैप्पी दशहरा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी वक्त फुर्सत मिलता है, समय मिलता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे समय नहीं मिल पाता है, ठीक है, कब का मैंने एक बार रिकॉर्ड किया था पर उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बनाना शुरू किया है, तो छुट्टी मुझे मिलता है तो मैं बनाता हूँ। थोड़ा सा म्यूजिक भी का आनंद दो और पढ़ाई पर भी ध्यान दो। चलिए अब मैंने बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इलिमिनेट कर दिया है, चलिए अब हम लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं। तो इसको आपने समझ लिया कि क्या है ये स्ट्रेस, ठीक है। ये पहले भी मैंने आपने पिछले वीडियो में मैंने इसे बताया है, यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहता है इधर तुमने अपना लोड लगाया है अगर, ठीक है, अगर इधर आपने ये बार था आपका, ठीक है, इधर आपने लोड लगाया है, चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे थे फोर्स वाई एरिया कर रहे थे, यहाँ पे रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट हुआ था भैया, अगर इधर आप लोड लगाओगे तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींचेंगे और यहाँ पे पी लोड ही जनरेट होगा। रीजन उसका है कि न्यूटन का लॉ लगना है, ये इक्विलिब्रियम में है तो जाहिर सी बात दोनों तरफ फोर्स इक्वल रहेंगे, और ये मैंने पी बाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया किया तो आपको स्ट्रेस निकल के आया, ठीक है। अब कहता है कि सर वो तो ठीक है पर मुझे उस प्लेन में नहीं देखना, हमको इस प्लेन में देखना, क्या स्ट्रेस जनरेट होगा क्या? बिल्कुल जनरेट होगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे खींच रहे हैं, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल होगा, इधर उधर खींच रहा होगा, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल के भाई जो अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट हुआ है बाई उसका एरिया अगर करोगी तो वहाँ पर आपको निकल के आएगा कि कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्लेन की बातें कर रहे थे, इस पर हम लोग फोर्स देख लेते हैं और फोर्स को हम उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। कहता है यहाँ पे फोर्स कैसे निकलेगा, कहता है अगर आपने इधर लोड पी लगाया है तो जाहिर सी बात है इधर भी लोड पी लग जाएगा अपने आप, इंटरनल रेसिस्टेंस है ये, लोड नहीं है, इंटरनल रेसिस्टेंस इतना जनरेट हो जाएगा अपने आप पी, ठीक है। अब कहता है अगर पी जनरेट होगा तो मैं इसका कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूँ, इस पी का मैं कंपोनेंट तोड़ना चाहता हूँ, मैं दो कंपोनेंट तोड़ता है इधर भाई, जाहिर सी बात पहले एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, कंपोनेंट तोड़ने के लिए आपको एंगल चाहिए, तो इस एंगल को मैंने थीटा माना था, ठीक है। तो ये आपका पी फोर्स है और ये आपका इस एंगल, आपको ये जिस डायरेक्शन में आपको निकालना है वो है, ठीक है। तो कहता है कि आपको एंगल कितना होगा, तो मैंने बता रखा है आपको कई बार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। मैंने कहा था कि दो प्लेन के बीच जो एंगल होता है उसके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही एंगल होता है, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो कि ये जो है इसका परपेंडिकुलर ये है और ये जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर ये है, तो जो इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल इस और इस जो लाइन है उसके बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो ये आप इससे थीटा निकाल सकते हैं, कई और तरीके हैं थीटा निकालने का, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, वो तो तरीका है थोड़ा सा शॉर्ट में याद रखने का। अगर ये थीटा है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री थीटा होगा और ये 90 डिग्री थीटा होगा, तो ये पैरल लाइंस है, तो ये आपका 90 डिग्री थीटा होगा और फिर ये 90 डिग्री है, तो उससे कितना निकल के आ जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा। कई तरीकों से आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने एक शॉर्टकट आपको बता दिया, आप लोग ज्योमेट्री से ये कैलकुलेट कर लोगे बहुत आसानी से। तो ये एंगल हमें थीटा निकल गया, तो ये पी अगर इधर लोड है तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा पी साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब हमें लोड निकल के आ गया है, ठीक है, लोड के कंपोनेंट्स निकल के आ गया, तो बस हमें उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करना है। तो ये एरिया कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। कैसे ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं भाई, तो कहता है कि देखिए ये है आपका, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है, इस प्लेन का एरिया निकालना है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री काम कर रहा है इसमें, ये थीटा है, ये ए है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री काम कर रहा है, जाहिर सी बात उधर वाला आपको जो
है वो तो सब में कॉमन ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं। तो भाई जो साइड ये रहेगा इससे हम ट्रिगोनोमेट्री का किसको निकालेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए है अगर आपका, तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा क्या, ए बाई कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने कैलकुलेट करके दिखाया भी है, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा भाई सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है, आप लगा के निकाल सकते हो, ये आपका निकल के आ गया है ए बाई कॉस थीटा। अगर एरिया निकल के आ गया है तो कहता है कि एरिया अगर निकल के आ ही गया है तो आप क्या कर लो, आप एरिया से डिवाइड कर लो, पी कॉस थीटा को आप एरिया से डिवाइड कर लो, वो है एरिया क्या है, तो कहता है ए कॉस थीटा, तो इससे निकल के आता है पी बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग पी बाई ए को, यहाँ पे पी बाई ए को क्या बोल रहे थे जी, तो पी बाई ए को हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस बोल रहे थे इस प्लेन का, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं अगर यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये पी साइन थीटा यहाँ पर फोर्स था, उसको बस एरिया से डिवाइड करो। अगर आप एरिया से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एरिया क्या है भाई, तो ए कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, तो पी बाई ए टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, जिससे हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई टू कॉस टू थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको जो दो फोर्सेस निकल गए, दो स्ट्रेस निकल के आए हैं, और दोनों स्ट्रेस को आप लोग बढ़िया से देखें तो फॉर्मूला आया है एक सिग्मा एन, सिग्मा एन किसे कहते हैं भाई, तो कहता है सिग्मा एन कहते हैं जो भी आपने प्लेन लिया थीटा एंगल, उसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल मतलब जो प्लेन की नॉर्मली है, उसको पी सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, वो होगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो शेयर स्ट्रेस उसी प्लेन पे होगा वो होगा सिग्मा बाई टू साइन टू थीटा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको क्या करना है, याद रखना है। अब थोड़ा सा और समझिए, तो सर थोड़ा सा और समझिए, अगर हमें कहे कि ठीक है भैया आपका जो शेयर स्ट्रेस आया है सिग्मा बाई टू कोसाइन टू थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा, तो कहता ये मैक्सिमम होगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ देख ही रहो कि साइन जो होता है वो मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, चूंकि टू थीटा, तो थीटा अगर 45 डिग्री रखोगे तो आपका टू थीटा अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा, और आपका शेयर स्ट्रेस स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये होगा क्या, शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। अब कहता है कि भैया शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, तो कहता है शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा टॉ मैक्स, आप कैलकुलेट कर लो क्या होगा भाई, तो कहता है आप साइन टू थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है कितना, 1। तो अगर 1 पुट करते हो तो कितना आता है भाई, तो कहता है सिग्मा बाई टू। अब कहता है कि अच्छा ऐसा बात है, तो बताइए उस वक्त जिस वक्त शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है उस वक्त नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो कहता नॉर्मल स्ट्रेस, कहता थीटा तुमने तो पुट कर दिया कितना कि भाई शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम करने के लिए 45 डिग्री, तो आप नॉर्मल स्ट्रेस में भी क्या कर दो भाई, तो कहता 45 डिग्री पुट कर दो, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा भाई, तो कहता सिग्मा एन इक्वल टू आएगा सिग्मा बाई टू, ठीक है, इन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कंडीशन। ये कब आएगा जी, तो कहता मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कंडीशन में ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो टॉ मैक्स जो हो गया वो सिग्मा एन हो गया, कब होगा भाई, तो कहता थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और यहाँ पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी कितना हो जाएगा सिग्मा बाई टू, यानी मैक्सिमम केस में, यानी जब शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है उस कंडीशन में नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस किसी रैंडम प्लेन पे, ठीक है, रैंडम प्लेन कब, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, रैंडम कहाँ हो गया, वो तो एक फिक्स हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आई है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। नेट तो आपको यही याद करना है, बस ये रिजल्ट इसका है, ठीक है। हाँ बस समझ में क्या आया भाई, कि कहीं भी तिरछा लंगड़ा अगर तुम खींचोगे, ठीक है, तो हर एक प्लेन में आपको स्ट्रेस आया, कोई भी प्लेन लोग लो अलग अलग स्ट्रेस आएगा, ऐसे ऐसे कोई भी प्लेन आप कंसिडर करो वहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होगा ही होगा, क्योंकि इंटरनल असिस्टेंस होता है, और इंटरनल असिस्टेंस हर जगह होता है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे होंगे, बस वो फोर्स निकालना है आपको और उस प्लेन के क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देना है, आपको निकल के आ जाएगा स्ट्रेस, ठीक है, उस प्लेन में। उस प्लेन में दो पूरा स्ट्रेस के कंपोनेंट हम लोग काम करके देखते हैं, क्योंकि भैया एक पे हम लोग यहाँ सी बात है किसी रैंडम डायरेक्शन में आएगा, तो उसके लिए हम लोग दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, एक तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर और उस एक उस प्लेन के पैरल, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग एक को नॉर्मल स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है, और एक को शियर स्ट्रेस बोल देते हैं, ठीक है। जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोल देते हैं, सिग्मा एन से डिनोट करते हैं, और जो प्लेन के पैरल होता है उसको हम शियर स्ट्रेस बोल देते हैं, और उसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। दोनों का मैंने वैल्यू निकाल दिया कि किसी रैंडम प्लेन थीटा
जो कि भैया जो सिंपल जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर प्लेन है, ये जो प्लेन है उससे अगर थीटा एंगल पे है जो प्लेन, उस प्लेन में अगर निकालना है तो आपको क्या हो जाएगा भाई, तो कहता है सिग्मा एन हो जाएगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ सिग्मा कहाँ है भाई, तो सिग्मा इस प्लेन में है, ठीक है। तो सिंपल नॉर्मल प्लेन आप जानते हो, उस प्लेन में आपका क्या है भाई, तो सिग्मा जो है वो पी बाय ए है, तो आपको सिग्मा एन इस प्लेन में क्या हो जाएगा भाई, तो कहता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा और टॉ हो जाएगा सिग्मा बाय टू साइन टू थीटा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइन कन्वेंशन फॉर द शेयर स्ट्रेस को देखने वाले हैं। तो शेयर स्ट्रेस को हम कभी प्लस लेते हैं कहीं माइनस लेते हैं, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कंप्लीमेंट्री प्लेन को देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कंप्लीमेंट्री प्लेन को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बायएक्सियल स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, उन सबों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नेट करके के। उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, ठीक है। और इस सबको समझते चलते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। जितना जल्दी जल्दी इस पर व्यू आएंगे, उतना जल्दी जल्दी मैं इस पर वीडियो बनाकर पूरा सॉन्ग को कंप्लीट करूँगा। जब देखने वाले लोगों की संख्या कम जाती है तो मैं थोड़ा सा वेट करने लगता हूँ, ताकि सब लोग पहले देख लें, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो को बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में इतना ही था।